प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जान आ सकती है तो फिर मुर्दे खड़े क्यों नहीं हो सकते। देखा जाए तो स्वामी मौर्य लगातार सनातन हिंदू और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, और ना सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि अलग अलग दलों के नेताओं की बात करें तो सियासी बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या अयोध्या और राम पर सियासत ऐसे ही होती रहेगी। हालांकि इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए तमाम लोग यहां पर मेरे साथ जुड़े हैं। रामपथ है ये, और जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के और उत्तर प्रदेश के, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से राम अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा पर बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, इसको लेकर उनका क्या सोचना है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से? राकेश तोमर, मैं मथुरा से हूँ। भाई साहब जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी को, पूरे देश को, संसार को, कि 500 साल बाद हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया तब जाके ये दिन हमें देखने को मिला है। लेकिन राकेश जी, ये चीज कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। अभी स्वामी मौर्य का एक बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से अगर पत्थर में जान आ सकती है तो फिर लोग मरते क्यों हैं, मुर्दे खड़े क्यों नहीं होते। ये तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि भगवान श्री राम जी के लिए वो ऐसे कह रहे हैं कि पत्थर में जान आ सकती है, नहीं आ सकती है। हमारे सनातन संस्कृति में तो कण कण में भगवान हैं, और हमारी सनातन संस्कृति केवल हमारे हिंदू सनातन भाइयों के लिए नहीं है, पूरे विश्व संसार के लिए है, और विश्व संसार को हमारा सनातन संस्कृति परिवार मानती है। उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि पत्थर में भगवान नहीं है, किस में भगवान है, मरना तो सबको है। और भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लेके अपना जीवन जो जिया, लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक बार उन माता जी ने वचन दिया और उन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। आज हमारे बच्चे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हैं, बात नहीं मानते माता पिता की, उनके भाई भाई जैसा प्रेम, छोटी छोटी बातों पे हम आपस में लड़ते हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि देखा जाए तो स्वामी मौर्य का ये पहला बयान विवादित बयान नहीं है, जिससे पहले उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए और लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि ये उनकी निजी राय है, उनको रोकते नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये भी बोलते हैं कि उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। दोराहे पर क्यों चल रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का तो भाई साहब पहले से ही इतिहास गवा रहा है कि उन्होंने हमारे राम भक्तों पे गोलियां चलवाईं। अब उन्हें लग रहा है कि 2024 में चुनाव आने वाला है, और मैं ऐसा बोल दूंगा कि पार्टी भी उनका समर्थन करती है तो उनका बेड़ा गर्क तो वैसे ही है, और ज़्यादा हो जाएगा। तो उनका तो भगवान ही मालिक है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं। क्या नाम है आपका? जय आकाश। आकाश आप जी, मैं हाँ, जो पॉलिटिशियंस हैं, आपने तमाम बयान सुने होंगे, आपके महाराष्ट्र के एनसीपी के एक नेता थे, उन्होंने जिन्होंने हाँ जितेन दावाड, जिन्होंने राम जी को मांसाहारी कहा, आपको क्या लगता है कि मतलब राम पर अयोध्या पर? ये तो पॉलिटिकल फंडे अपने अपने, इनका बिजनेस इसी पे चलता है, कमेंट्स पे देखे। रही बात आप जो बोलते कि पत्थर में जान नहीं आ सकते, उसके पैर नहीं छू सकते, तो अगर आके एक पॉलिटिशियन है स्वामी मौर्य, तो अगर एक समझ लो एक फैमिली है, उनके बड़े बुजुर्ग गुजर गए, अब तो उनमें जान नहीं रही, तो फोटो के पैर क्यों छूते फिर उनके? उनमें तो जान है नहीं, तो फोटो के पैर क्यों छूते? जो जिंदा है उसी के पैर छुए इंसान। ये टोटल सर अपने अपने फंडे, अखिलेश जी भी समझदार है, उनको अपनी पार्टी को समझाना चाहिए, माननीय शरद पवार जी ने भी अपने अपने MLAs को समझाना चाहिए कि एटलीस्ट पॉलिटिक्स में धर्म तो ना घुसाए, वही उनका बिजनेस वही है सर, वो तो करने वाले। समझदार आपको और मुझे ही होना पड़ेगा कि किसको वोट दे, किसको ना दे, या NOTA नोटा को बटन दबा दे। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, कहाँ से आप हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से हैं, कुशीनगर से ही स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ के पटौरा से चुनाव लड़ते थे, और जिस तरीके से उनका लगातार बयान बार बार आ रहा है, क्या सोचते हैं आप? वह गलत आदमी है। योगी जी आने वाले दिन में प्रधानमंत्री होंगे, ये सबका ऐलान है, पूरा हिंदू धर्म का ऐलान है। इधर आ जाइए आप, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से क्या नाम है आपका? राजेश जोशी। राजेश, लगातार आप बयान सुन रहे होंगे अलग अलग जो दल के नेता हैं, और ख़ास तौर पर भगवान राम, अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा, आखिर सवाल बार बार सनातन पर क्यों खड़ा किया जा रहा है? ऐसे सवाल उठते रहते हैं और हमको इनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।
लोग बोलते रहेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम सनातनी हैं, अपने धर्म के प्रति जो भी हमारी आस्था है हम उसको व्यक्त करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी थी, अब उसी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या पत्थर में जान आ सकती है, नहीं आ सकती है, तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, ये जो सवाल हैं सब बेफिजूल के हैं। अगर पत्थर में जान नहीं होती, पत्थर में भगवान नहीं होते, वही वाली बात है कि अगर मानो तो पत्थर में भगवान, ना मानो तो पत्थर। इतनी भीड़ यहाँ उमड़ रही है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। हम हल्द्वानी नैनीताल से यहाँ पहुँच चुके हैं उत्तराखंड से, तो इससे बड़े और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। आप भी वहीं से उत्तराखंड? जी जी। क्या नाम है आपका? गौतम रावत। गौतम रावत, गौतम, आप क्या सोचते हैं जो ये मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है सनातन को, क्या मानना है? ये सब गलत है, बस कोई फ़ायदा ही नहीं है इससे, आपको भी पता ही है और सबको पता ही है। और सनातन धर्म हमेशा से जीतता आ रहा है और जीतते रहेगा, और जय श्री राम का नारा हम लगाते रहेंगे हमेशा और मरते दम तक लगाते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं भगवान राम पर, अयोध्या पर? जिनको अपने बारे में ABCD नहीं पता, वो जेड तक कैसे बोल सकता हमारे सनातन धर्म के बारे में? एक बड़ा सवाल है। और देखा जाए तो अगर हम बात करें तो अयोध्या में इस वक्त लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ, क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो कल 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन और पूजन किया। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप कहां से हैं? हम वेस्ट बंगाल से हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोसेनजीत गुप्ता हुआ। प्रोसेनजीत, ये बताइए कि भगवान राम अयोध्या पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खासतौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, कोई प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहा है, कोई भगवान राम पर, कोई अयोध्या पर, क्या सोचते हैं आप लोग? और वेस्ट बंगाल के जो के लोग जब ऐसी बयानबाजी सुनते हैं तो वे क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ, इतिहास अपने आप को जरूर दोहराता है, तो यहाँ पे भी कोई राजनेता थे जिन्होंने राम पे भी सवाल उठाए थे, और कर सेवक जो थे वो कर सेवक के साथ किस तरह से बर्ताव किए थे, शायद गोली भी चलाए थे, मैंने शायद शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया, मैं वो आप लोग अच्छा हमसे बता पाइएगा। तो आज वो कहाँ पे हैं और जो राम को लाए वो कहाँ पे है? तो मुझे लगता है कि बंगाल में भी जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ मद्देनज़र रखने देना चाहिए कि कर सेवक को जिन्होंने गोली चलाए वो उनके साथ है, जो राम को लाए उनके साथ है। तो ये ज़रूर अपना अपना बात है, लेकिन मेरा मन यही बोलता है कि बंगाल भी इस बार याद रखेगा। सिर्फ बंगाल नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी रामलला आए हैं, ये रामलला को याद रखेंगे, और जो रामलला को जनता जवाब देगी, जरूर जनता जवाब देगी। आप कहाँ से हैं? हम हैं कच्छ भुज गुजरात। गुजरात से आए हैं, क्या नाम से आए? विपिन बिंडोरिया। विपिन भाई, ये बताइए आप रामनगरी अयोध्या में हैं? हम उत्तराखंड हरिद्वार से हैं। क्या नाम है आपका? संचिता खंडेलवाल। मैम, भगवान राम को स्थापित एक बार फिर से कर दिया गया है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन इसी श्रद्धा पर कुछ ऐसे राजनेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आज उनका एक ताज़ा बयान आया है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ सकती है तो फिर मुर्दे खड़े क्यों नहीं हो सकते? क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को? देखिए, अगर हम ही भगवान बन जाएंगे तो फिर भगवान को कौन पूजेगा? तो भगवान ने हमें बनाया है, तो हम ही जीवित हैं, हम ही मुर्दे हैं। वो ब्रह्मांड रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर अगर हम हो जाएंगे तो इनका काम तो कहना है। देखिए, जो कह रहा है उसकी सुनने के लिए कान तो बंद नहीं कर सकते, पर जिसे कहना है वो कहने दीजिए, पर जिसकी श्रद्धा अटूट है उसकी श्रद्धा से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और वो जय श्री राम, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। और ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं सर, मैं बता देता हूँ, इनकी राजनीति इस पर चल रही है अभी भी, इनको ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, मैं अगेन ये मौर्या जी को बोल रहा हूँ, मौर्या जी सही पथ पर आ जाइए, श्री राम के शरण में आ जाइए, आपका भी भला हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिली, सुपड़ा साफ होना तय है। आज हमने चर्चा की कि आखिर राम और अयोध्या पर सियासत कब बंद होगी। जनता का साफ तौर पर कहना है कि जनता समय आने पर माकूल जवाब देगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।